नमस्कार, मैं हुजैर। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। 45वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हुई। उन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए अब तक की सबसे अमीर कैबिनेट बुलाई है। उन्होंने अपने भाषण में मेक इन अमेरिका का नारा भी लगाया। खेल मंत्री विजय गोयल के ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने जायरा को ट्वीट करते हुए ये कहा कि हमारी बेटियां पिंजरा तोड़कर आजाद हो गई, जिसे जायरा ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद बढ़ गया। पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण 29 जनवरी को हुआ। उन्होंने ट्वीट कर ये बताया कि यह कार्यक्रम बोर्ड की परीक्षाओं पर केंद्रित होगा। तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। फ्रांस होते हुए लंदन पहुंची मालगाड़ी। इस सफर को तय करने के लिए मालगाड़ी ने 18 दिनों का समय लिया। समुद्री तट से सामान भेजने के बजाय यह सफर अधिक तेज साबित हुई। डिजिटल होते इंडिया में अब चुनाव आयोग भी डिजिटल हो गया है। चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है। दरअसल यह ऐप चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां देगी। आरक्षण पर संघ विचारक मनमोहन वैद्य ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई सालों से आरक्षण के नाम पर लोगों को अलग रखा गया है, अब इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। राजस्थान के जैसलमेर में शुक्रवार रात रानीखेत एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। भारतीय तटरक्षक बल समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने में जुट गए हैं। समुद्र में चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए 40 नए पोत और 48 नए बेड़े शामिल किए गए हैं। नई दिल्ली में प्रो कुश्ती लीग की समाप्ति के बाद अब पटना में शुक्रवार से शुरू हुआ दंगल। 500 से ज्यादा पहलवान दिखाएंगे अपना दम। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।